ગુજરાતમાંથી વાયુ વાવાઝોડાની મોટી આફત ટળી ગઈ છે, ત્યારે ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોના શ્વાસ અદ્ધર ચડી ગયા હતા. ત્યારે દૂર દૂરથી ભગવાન સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા આવેલા લોકોએ ગુજરાત પરથી ટળેલી ઘાતને લઈને ભગવાનનો આભાર માન્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં સોમનાથ આવેલા શ્રદ્ધાળુઓમાં વાવાઝોડાને લઈને ભયનો માહોલ હતો. જો કે વાવાઝોડું વાયુ ગુજરાતના દરિયાકાંઠા પાસેથી પસાર થઈ જતા શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાનનો પાળ માન્યો હતો. आपदा टल चुकी है, समुद्री तूफान वायु ने अपना रुख मोड़ लिया है और गुजरात के लोगों ने राहत की सांस ली है. तस्वीर सोमनाथ मंदिर की है और यहाँ पर शांति का प्रतीक कबूतर अब आसानी से दाना चुगते हुए नजर आ रहे हैं और ये सोमनाथ मंदिर का नजारा है. पिछले 24-48 घंटों से यहाँ भक्तों को भी बड़ी चिंता सता रही थी, महादेव के मंदिर में आने वालों को, कि तूफान जाने कौन सी तबाही लाएगा. लेकिन महादेव की कृपा रही और ये तूफान टल गया. गुजरात के लोगों ने राहत और शांति महसूस की है और सैलानी जो है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं एक सुकून अनुभव कर रहे हैं. दूर दराज से लोग आए हैं. सर क्या कहेंगे, तूफान टल गया है, कैसा डर था? अच्छा, काफी डर था, अच्छा लग रहा है. लेकिन आप कहाँ से आए थे? इंदौर से. इंदौर से आए थे, आपका क्या नाम है? सेंद्रपाल प्रजापति. कहाँ से आए थे आप? दिल्ली से. दिल्ली से लोग आए थे, दूर दराज से आते हैं लोग. विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और भी लोग हैं, एक नन्हे भक्त भी यहाँ आए हुए हैं. क्या नाम है आपका? चंदन. कहाँ से आए थे आप बेटा? देवास. देवास, इंदौर से आए थे. इंदौर से. अच्छा, आपको ये पता था कि तूफान आने वाला है? हाँ. अच्छा, तूफान का खतरा टल गया है. हालांकि मौसम का मिजाज अब भी सोमनाथ के आसपास बिगड़ा हुआ है. तीव्र गति से हवाएं चल रही हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक शांति महसूस की जा रही है. सोमनाथ मंदिर परिसर एक बार भक्तों से फिर गुलजार हो चुका है. तैनात पुलिसकर्मी भी है. सर, किस प्रकार का खतरा कुछ लग रहा था कल से भक्तों को? तूफान आ रहा था, उसको लेकर क्या लग रहा था? बहुत डर लग रहा था, लेकिन सोमनाथ बाबा ने हमें सब अच्छा कर दिया है. अभी अब सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक बार फिर से शांति का प्रतीक कबूतर उड़ रहे हैं, दाना चुग रहे हैं और गुजरात के लोग राहत की सांस ले रहे हैं. कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, सोमनाथ.